नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इरफान खान दिल्ली बेली के डायरेक्टर अभिनव देव के साथ एक जबरदस्त मूवी लेकर आ गए हैं और उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। जी हाँ, उस मूवी का नाम है ब्लैकमेल, जिसका ट्रेलर मुझे तो बहुत ही पसंद आया। वो दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो खुद ही ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि ये ट्रेलर उनको कैसा लगा। भैया, ऐसा है कि इरफान कुछ भी कर सकता है, पहले भी किया है और आगे भी करेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे सिंगल हो। और जो ये नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, इसमें भी बढ़िया करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी फिल्म होगी जिसका इंतज़ार ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। इरफान ने जितनी भी मूवीज़ आज तक की हैं, वो सारी की सारी ज़बरदस्त रही हैं, एक आध को छोड़कर। जो एक अरसद वारसी के साथ एक आई थी जिसमें वो अलग अलग किरदार निभा रहा था, वो बुरे टाइम में थे उसके। लेकिन उसके अगर पिछले 3 या 4 साल की मूवीज़ देखें तो कोई ऐसी मूवी है ही नहीं, बिना ट्रेलर देखे, बिना प्रोमो देखे, कुछ भी मत देखो, पता चल जाए कि इरफान की मूवी लग रही है तो चले जाओ बस टिकट बुक करा के। तो ये मूवी भी फाड़ोगी, और जो ट्रेलर देखे लग रहा है मस्त फिल्म होगी, एंटरटेनिंग होगी, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेल जो खुद वो हो गया है, पहले शुरू कर रहा है, तो एक ज़बरदस्त मतलब इसमें अप एंड डाउन्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं तो ज़रूर जाऊँगा। इरफान खान की नई मूवी का ट्रेलर आया है। वैसे तो उनकी सारी मूवी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब ट्रेलर में भी कुछ नया है, ऑल दो घिसी पीटी स्टोरीज चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ नया है। हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, फ़न के लिए देखेंगे, और इरफान खान की ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए देखेंगे। तो फ़िलहाल ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मूवी ज़बरदस्त होने वाली है। मैं फिल्में देखने जाता हूँ कुछ नया देखने, अपनी लाइफ से हट के किसी और की लाइफ के बारे में जानने। ये फिल्म बहुत हटके है। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी न्यू, वेरी वेरी नॉवल। इट्स अबाउट सिटी लाइफ, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाएंगे। एंड द म्यूज़िक, द बैकग्राउंड स्कोर, जितना मैंने सुना ट्रेलर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़ वेरी एक्साइटिंग, एंड ऑफकोर्स हाउ कैन वी मिस द लीड गाय इरफान खान। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसकी मूवी देखने ज़रूर जाऊँगा, आप भी जाइएगा। एंड ट्रेलर के मूवी के बाद मिलते हैं हॉल के बाद। इरफान खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये दिल्ली बेली जैसी ही कुछ हुई तो और भी अच्छी होगी, क्योंकि इरफान ऐसे काफ़ी सीरियस रोल करते हैं, और जब वो कॉमेडी करते हैं तो उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस बार मैं पर्टिकुलरली इरफान खान के लिए देखूँगा। डायलॉग काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस फिल्म के, और जिस प्लॉट पर इस पूरी फिल्म को बनाया गया है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। तो मैं तो इंतज़ार करूँगा जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। ब्लैकमेल जैसा नाम है, वैसा ही कुछ देखने को लग रहा था कि शायद कुछ एक बड़ी डार्क सी ब्लैकमेल टाइप वाली कोई स्टोरी होगी, लेकिन जब स्टार्टिंग सीक्वेंस ही में ही इरफान खान ने बता दिया कि भाई ये कोई एक कॉमेडी मूवी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लॉट लग रहा है, और बहुत सारे फनी मोमेंट्स भी आ रहे हैं, एक सीख भी शायद मिलने को देखने को मिल जाए। अभिनय देव, जिन्होंने दिल्ली बेली डायरेक्ट किया था लास्ट फिल्म, वो वापस से एक मूवी लेकर के आ रहे हैं। इस बार किरदारों की बात की जाए तो इसमें अच्छे किरदार एक्टर्स लिए गए हैं। इरफान खुद ही एक मजे हुए कलाकार हैं, और उन्होंने वापस से दिखाया है कि जिस तरीके के उनको रोल सूट करते हैं वो उस तरीके की फिल्म ही पिक करते हैं। दिव्या दत्ता भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और अरुणोदय सिंह भी बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं इस रोल में। तो इंतज़ार रहेगा इस मूवी का, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल इसकी रिलीज डेट है, तो डेफिनेटली ये मूवी देखने लायक लगती है। ब्लैकमेल का टीज़र देख के मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि फिल्म देखने जाना है, और उसका एकमात्र रीज़न इरफान खान ही है, बाकी किसी रीज़न की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, दिव्या दत्ता है और कृति कुल्हाड़ी हैं, आई गेस मैंने सही प्रोनाउंस किया उनका नाम, तो बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले इरफान खान ही बहुत हैं। पिछली मूवी उनकी जो करीब करीब सिंगल थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत ही अलग हटके और हल्की फुल्की सी मूवी थी। और अब मतलब लास्ट जो हिंदी मीडियम में उन्होंने कॉमेडी की, फिर करीब करीब सिंगल में भी थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, यहाँ पर फुल फ्लेज्ड कॉमेडी है, तो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि जाना ही जाना है। इरफान खान मेरे तो पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं, और जब भी उनकी फिल्म आती मैं कभी भी नहीं चूकती उनकी फिल्म देखने से, और इसका ट्रेलर धमाकेदार, मुझे बहुत पसंद आया। कोई भी जॉनर की फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, इरफान खान इज़ ऑलवेज द बेस्ट। तो आई होप ये वाली फिल्म भी धमाकेदार एंट्री करेगी बॉलीवुड में, तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंटरेस्टिंग है, और दिल्ली बेली जैसी वाली जो वाइब है वो है इस मूवी में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
इससे सबको एक सीख मिलेगी कि अगर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो ना, तो दारू पीने के बाद किसी को बताओ मत आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, वरना वो घुमा के आपको ही ब्लैकमेल करेगा। सो ओवरऑल बहुत ही फन मूवी होने वाली है, और जो सिचुएशनल कॉमेडी की जो बात हम करते हैं कि जो इंडिया में जो मिसिंग है, आई थिंक वो हमें देखने को फाइनली मिलेगी कि सिचुएशन किस तरीके से आपको फनी तरीके से घुमाती है। तो आई रियली लव द होल ट्रेलर एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड वॉच दिस मूवी। तो आपने देख ही लिया होगा लोगों को ये ट्रेलर कितना पसंद आया। लोगों ने कहा इस मूवी के लिए एक ही नाम काफ़ी है, वो है इरफान खान। हम सब उनके लिए ये मूवी देखने जाएंगे। फिलहाल आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।